हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम क्लास 12th के बारे में बात करेंगे। मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का आज भाग 2 बनाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं टाइम 7 से 8 पढ़ाया जाता है फिजिक्स और 8 से 9 केमिस्ट्री। तो आप लोग एकदम समय से चले आया करिए। चलते हैं, एक वीडियो इसका पहले से ही बनाया जा चुका है, तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो न देखे हो वो देख लें, तभी ये ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। ठीक, देखते हैं क्या है टॉपिक। तो देखिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हमारा टॉपिक है। कल हम लोग धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, अब उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए, तो किसी धारावाही चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित दो नियमों द्वारा ज्ञात की जाती है। किसी धारावाही चालक के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो दिशा है वो दो नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। वो दो नियम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम। यदि दाएं हाथ के, देखिए दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, यदि दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा शेष अंगुलियों के लंबवत हो और अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो, शेष अंगुलियां उस बिंदु की ओर हो जहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो हथेली से धक्का देने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब इसको जरा हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर दाएं हाथ है उसके पंजे को, मतलब दाएं हाथ के पांचों उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है वो क्या हो, सारी अंगुलियां जो शेष 4 उंगली हैं उनके लंबवत हो और अंगूठा किसकी दिशा में हो, विद्युत धारा की दिशा में हो। अंगूठा किसको प्रदर्शित कर रहा हो, विद्युत धारा को प्रदर्शित कर रहा हो, और शेष उंगलियां जो चारों बची हुई वो कहां संकेत कर रही हो, उस बिंदु की तरफ संकेत कर रही हो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तब जो दूसरे हाथ से धक्का मारेंगे आपने, तो वही जो धक्का देने की दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ये नियम होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ठीक, अब आता है मैक्सवेल के दक्षिणावर्तीय पेंच का नियम। बहुत इंटरेस्टेड है, केवल ध्यान देना है, प्रैक्टिकल एकदम डेली लाइफ से है आपके रिलेट करके। तो जो मैक्सवेल थे उन्होंने ये पेच पेचकस उचकस ले लिया अपना, ये भैया लगे मिस्त्री बनने अपना, अभी मिस्त्री आपको भी बनाएंगे। अभी देखिए कि जब किसी पेच को पेचकस के द्वारा कसा जाता है तो पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में और अंगूठा कसते समय जिधर घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यह नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, केवल मान लीजिए पेचकस है, ये क्या है आपका पेचकस है, तो पेचकस को मान लीजिए ऐसे ऐसे कसते हैं, घुमाते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाते होंगे, ऐसे ऐसे घुमाते होंगे, तो ये क्या होता है कि आगे बढ़ता है। देखिए ये बढ़ रहा है ना, तो जब ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ रहा है तो जो पेचकस की नोक अर्थात ये जो नोक है यह किसकी दिशा में, विद्युत धारा दिशा में, तो कसते समय अंगूठा जिधर की तरफ घूमता है ना वही दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की। तो क्या है कि जब किसी पेच को पेचकस के द्वारा कसा जाता है तो पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा में हो और अंगूठा कसते समय जिधर घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यह नियम मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, अगर तैयार कर लिए तो लॉन्ग क्वेश्चन फंसना है। अब देखिए, आप लोग पहले चुंबकीय क्षेत्र का वीडियो देखिए, उसके बाद ये दिशा ज्ञात करने वाला आप आराम से देख समझ में आएगा। तो पहला वीडियो जाके देख लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या है टॉपिक। देखिए, तो लारेंज बल, ये लारेंज बल क्या होता भैया, लारेंज बल, लारेंज फोर्स। जब आवेशित चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, इस बल को लारेंज बल कहते हैं। परिभाषा समझिए कि जब कोई आवेशित चालक है वह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। कहां गति करेगा, चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा,
तो उस पे बल लगता है, एक बल आरोपित होता है, इसी बल को कहते हैं लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल का एक फॉर्मूला होता है यफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पर यफ क्या है, लॉरेंज बल, जिसको चुंबकीय बल भी बहुत लोग कहते हैं, क्यू क्या है, आवेश है, वी क्या है, चालक का जो आवेशित चालक है उसी का वेग, किस वेग से गति कर रहा है, बी को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, यह है लॉरेंज फोर्स का फार्मूला, लॉरेंज बल का सूत्र, एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा। यहाँ पे सबका मतलब समझ लिए हैं आप, एक बार फिर देख लिए, एफ क्या है, लॉरेंज बल, जिसको कहते हैं चुंबकीय बल, क्यू क्या है, आवेश, वी क्या है, आवेशित चालक का वेग, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र से बना कोण। अब क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन दो लगाएंगे हम और दो आपको देंगे, तब कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक अल्फा कण 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत 2×10^5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति करता है, तो लॉरेंज बल की गणना करिए। देखिए अब सोल्यूशन कैसे लगाएंगे हम लोग, एकदम सिंपल सवाल पहले लेंगे, उसके बाद इसके एकदम पीक वैल्यू तक जाएंगे, एकदम ऊंचाई तक। तो पहली बात, अल्फा कण दिया है तो क्यों तो आपका क्लियर हो जाएगा, पहले नोटेशन देखिए क्या दिया है, अल्फा कण दिया है तो अल्फा के लिए जो क्यू की वैल्यू होती है वो 2e की होती है, 2e इलेक्ट्रॉन के आवेश का दोगुना होता है अल्फा कण पे आवेश, तो 2×1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6×10^-19, तो ये हो जाएगा 3.2×10^-19 कूलाम। ठीक, v की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में से लंबवत, लंबवत माने थीटा का अंश भैया 90 अंश, लंबवत बोले तो थीटा 90, समांतर बोले तो 0। ठीक, अब भी की वैल्यू क्या दी हुई भैया, 2×10^5 मीटर पर सेकेंड, भी बराबर 2×10^5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करता है, तो लॉरेंज बल की गणना करिए, यफ का वैल्यू निकालना है भैया, तो यफ बराबर क्यू भी साइन थीटा, तो क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 3×2×10^-19 अगुड़े भी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2×10^5 अगुड़े बी, बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 0.5 साइन 90 डिग्री। देखिए भाई जो मैथ पढ़ता है उसका फिजिक्स थोड़ा स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उसमें गणित का नियम लगेगा। आप अब देखिए ये 0.5 है, इसमें 2×5 = 10 सेकंड पे 0 लग जाएगा, तो पहले 10^5 खोल कर लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 10^-14 हो जाएगा, घट जाएगा भैया, अब 5×10 तो 10 हो जाएगा, एकांत पे 0 लग जाएगा तो 1.0, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1×1 इसमें गुणा करेंगे 3×2×10^-14 न्यूटन। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब एक क्वेश्चन और लगाते हैं, उसके बाद और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तब फिर दो न्यूमेरिकल आपको अलग टाइप के देंगे इसी में का। तो देखिए क्वेश्चन दो, एक अल्फा कण 3×10^5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर गति कर रहा है, तो लॉरेंज बल ज्ञात करिए। अब भैया फिर क्वेश्चन, यहां पे वहां पे लंबवत था, अब यहां पे एंगल दे दिया 30 डिग्री का, तो सोल्यूशन पहले सवाल में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो धई के पकड़ के एकदम निकाल दे उनके में से सवाल। तो क्यू की क्या हो जाएगी वैल्यू, 2e, अल्फा कण है भाई यहाँ पे भी, तो 2×1.6×10^-19 कूलाम हो जाएगा, 3×2×10^-19 कूलाम, कितने मीटर पर सेकंड के वेग से, 3×10^5 मीटर पर सेकंड के वेग से, भी के वैल्यू दिया हुआ है 3×10^5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, किस चुंबकीय क्षेत्र में,
डेढ़ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। बी की वैल्यू दी हुई है 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र से कैंस के कोण पे 30 अंश के कोण पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू की वैल्यू क्या है, 3.2×10^-19। देखिए बोर्ड में आपका जो फिजिक्स में सवाल आता है बहुत बड़का फैक्टर तोड़ने के लिए नहीं आता है, ऐसे ही बेसिक बेसिक सवाल आते हैं और बच्चे कंफ्यूज आते हैं, कुछ में कुछ देके कुछ पूछ देगा, कुछ में कुछ देके कुछ पूछ देगा। तो एकदम कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, कहां से बझाए तो बझ ना पाए। तो वी की वैल्यू क्या रखेंगे, 3×10^5। अब बी की वैल्यू 1.5×30°। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3×6 = 9। अब 10^5 तो रहेगा ही, 10^ कॉल करेंगे तो क्या जाएगा, 10^-14 × 30 की वैल्यू होता है 1/2। मैथ के स्टूडेंट जानते होंगे साइन 30, कास 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30, ऐसा एकदम रट के रखिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू आप लोग निकाल भी सकते हैं, साइन 15+15 करके। अब कहेंगे साइन 15 कैसे निकला, तो साइन 45-30 करेंगे और क्या। देखिए तो इतना कर दिए, अब देखिए तो अब देखिए कटकूट करते हैं जरा, ये 4.8 हो जाएगा। तो ये अब क्या हो जाएगा, 4.8×1.5×10^-14 इतना न्यूटन। और चाहे तो इसको हल कर सकते हैं, ज्यादा हल करेंगे तो आपका समय जाएगा, तो आप लोग इतने पे भी छोड़ देंगे ना तो पूरा मार्क मिल जाएगा। तो अब दो क्वेश्चन हम देते हैं आपको और आप लगाइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कुछ बच्चे सवाल लगाते हैं, देखते हैं हम उनका कमेंट, बहुत अच्छा लगाते हैं, मतलब आंसर आ जाता है। तो हम सवाल इसलिए नहीं बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग खुद से हाथ पैर मारेंगे ना तब पता चलेगा कि आप कितने पानी में कहां पे तैर रहे हैं, और हम बता देंगे तो उसका मतलब क्या रह जाएगा। जितने जिनका आंसर सही रहता है हमको बता दें कि इनका आंसर सही है, ये कह देते हैं पहले वीडियो में। तो देखिए क्या है कि एक प्रोटॉन, अब देखिए हम अल्फा कट करके लगाते हैं, यहां प्रोटॉन दे दिए तो अपना निकालिएगा उसी में। एक प्रोटॉन 2×10^7 मीटर पर सेकेंड के वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। लॉरेंज बल की गणना करिए, ठीक, चाहे तो हम नोटेशन दे देते हैं, नहीं तो खुद से लगाइएगा। चलिए अच्छा, कुछ बच्चे कमजोर हैं उनके लिए नोटेशन देते हैं। क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोटॉन है भैया तो 1.6×10^-19 कूलाम। वी की वैल्यू दी हुई है 2×10^7 मीटर प्रति सेकेंड, 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। बी का वैल्यू दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। थीटा की वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री। एफ का वैल्यू पूछ रहा है भैया, निकाल लीजिए फार्मूला लगा के आप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन 10^7 मीटर पर सेकेंड के वेग से 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 45 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। लॉरेंज बल ज्ञात करिए। अब देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है, तो सवाल देखिए इसका सोल्यूशन में आपको खाली हिंट देते हैं, नोटेशन। इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.6×10^-19 कूलाम। यहां पे निगेटिव चार्ज था लेकिन निगेटिव बोलते नहीं है सवाल में लगाते। इसमें वी की वैल्यू 10^7 मीटर पर सेकेंड के वेग से बोल रहा है, और बी की वैल्यू क्या दिया है, 1.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, चुंबकीय से 45 अंश के कोण पर प्रवेश करता है। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। लॉरेंज बल ज्ञात करना है, एफ का मान ज्ञात करना है। तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा के प्रयोग से आप लोग मान निकाल सकते हैं। जिसको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक करे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए, और जो चैनल को सब्सक्राइब न किया हुआ सब्सक्राइब कर ले। और पहली बात तो आप लोग समय ध्यान दीजिए जरा, कुछ बच्चे समय नहीं जानते हैं, तो जानिए 7 से 8 चलता है फिजिक्स, जो कि हमारे द्वारा अर्थात आपके अवनीश सर द्वारा चला जाता है, और 8 से 9 केमिस्ट्री चला जाता है आपके बेहतरीन राजन सर द्वारा। तो आप लोग 2 घंटे एकदम समय निकालिया करिए, और सुबह कक्षा 12th और 10th का मैथ चलता है जो कि आपके सूरज सर पढ़ाते हैं, तो आप लोग एकदम समय निकाल के चले आइए। इस बार एकदम बेस्ट तैयारी कराई जा रही है आपकी, अगर शुरू से लगे रहें तो आपको अंत में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक, धन्यवाद।